Okay, guys, so the work has started here. So we have Ovi and Laur. I said it right? Okay, so we're gonna start the work here and we are very excited. So it's gonna be a good one, right? Okay, so this is the tile. This tile is. तो ये पूरी टाइल लग जाएगी जो यहाँ पे पहले बहुत ही इन्होंने लोकल सी टाइल लगाई थी ऑनेस्टली एंड यहाँ पे आप मैंने आपको बताया था मैं पूरा हटवाया तो दिस विल ऑल बी इक्वल हियर एंड इस एरिया में क्या होना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आप देख सकते हो हम अपने पूरे बेड को कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज इस एरिया में बनेगी एक नई वार्डरोब एंड यहाँ पे हम लोग वार्डरोब नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और करवा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अभी, बट मेनली यहाँ पे बन रही एक वार्डरोब इस रूम के लिए। तो आज फिलहाल ये होना है, आई थिंक आज या कल भी करेंगे वो लोग, है ना? आज और कल दो दिन लगेंगे उनको पूरा करने में। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक शीट्स भी लाएंगे, बट हमने अपनी सेफ्टी के लिए चद्दरें बिछा दी। यस, बिल्कुल बहुत कवर करना, ये हटानियाँ भी, सब चीज़ें यहाँ से बाहर जाएंगी एंड उसके बाद शुरू होगा हमारा सामने वाला रूम जो कि वॉक इन वार्डरोब का है। बट फिलहाल दिस इज़ द अपडेट गाइस, सामान आना शुरू हो गया इस रूम का भी एंड आप देख सकते हो ये लोग नहीं बिछाते तो हैं, बट मतलब फिर भी ना बहुत मिट्टी हो जाती है एंड बाहर से भी वो कटिंग वगैरह चल रही है यू कैन सी, तो उसकी मिट्टी भी क्योंकि किचन से कनेक्शन है तो वो पूरी अंदर आ रही। मैंने जुगाड़ तो किया है कवर अप करने का, बट फिलहाल ये कंडीशन है घर की हमारी। ओके गाइस, सो काम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है अभी। बाहर ना बारिश हो गई थी तो हमें लग रहा था कि शायद स्टॉप करना पड़ेगा काम, लेकिन शावर्स थे तो उसने बोला अगर बहुत तेज होगी आई हैव टू स्टॉप इट अदरवाइज चलता रहेगा काम। हम लोग को कॉल पे चलते हैं, एक सेकेंड, ऊपर भी काम चल रहा है, नीचे भी काम चल रहा है, मुझे जाना है, मेरी डॉक्टर की ना अपॉइंटमेंट है, पहले की कुछ फॉलोअप चल रहा है एंड आई हैव टू लीव राइट नाउ और मैं आपसे ना आके मिलती हूँ, फिर थोड़ा सा अपडेट देती हूँ घर पे एग्जैक्टली अब क्या क्या हो चुका है। ऑलराइट, तो आज है नेक्स्ट डे और काम वाम शुरू हो चुका है and we're matching. You think they're matching? I think they're matching, yeah. Right? I think as well. Yeah. I'm being very picky now. They're both brass actually, so it's not like... Anna, wo ekdam peela wala gold tone. This is not bright yellow. No, they're matching actually. Yeah, they are matching. Okay. Yeah, so this for the drawers and this for the thing. Okay. तो अभी तक से इतना ही कुछ हुआ है, अभी काफी काम बाकी है तो आपको अपडेट देते हैं अभी थोड़ी देर में, होपफुली आज खत्म हो जाएगा सब कुछ। Yep, ऊपर चल रहा है अभी भी काम एंड उर्वशी का भी चल रहा है काम। यहाँ देखो प्रॉपर प्रोडक्ट प्लेसमेंट रख के पूरी शूट हुई जा रही है यहाँ पे, एकदम रिंग लाइट को टेढ़ा करके, क्या बात है। देखो पता है गाइस, मैं नॉर्मली ना अपना कंटेंट बहुत बिफोर हैंड रखती हूँ, बट क्योंकि आपको पता है बहुत कुछ, शी लाइक्स टू बी प्रिपेयर्ड, तो मैं बहुत ही मतलब ऐसे कि बहुत ही ऑन टाइम नहीं चल पा रही हूँ, मतलब इट्स लाइक कि जो डालना है वो बनाना है। yep. तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं फटाफट बना के कुछ डालना चाहती हूँ, देन हम कुछ खाएंगे खाना। तुमने मुझे किस पोजीशन में पकड़ा है? इसके बाद हम बनाएंगे खाना, कंटेंट ही बनाएंगे, खाना बनाएंगे एंड देन फिर आपको प्रॉपर्ली भी दिखाएंगे फाइनल वाली। अभी यहाँ पे तो काफी टाइम लगेगा और दिक्कत ये है कि बहुत मशीनों की आवाजें आ रही, तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती। ओके दोस्तों, तो फिर दोस्तों मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं दोस्त शब्द बहुत बोलती हूँ, बोलती हूँ, नहीं नहीं वो वाला नहीं, दोस्तों वाला दोस्तों नहीं है कि और दोस्त पता कैसे, ऐसे वाली दोस्त मैं सच में दोस्त बहुत बोलती हूँ, मैं अपने आपको पता नहीं क्यों ऐसे वैलिडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवे गाइस, मैं अभी बस मैंने फटाफट से कुछ एडिटिंग फिनिश करी है, अब हम जाएंगे कुछ खाना वाना बनाते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है खैर, लेकिन वो फालतू की चीज़ें उसको इग्नोर करो। अब ये है कि एक तो दो पैकेजेस आए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी दोनों पैकेजेस क्या है, एक तो ऑर्डर है और एक और चीज़ है, तो वो मैं आज ज़रूर अनबॉक्स करूँगी थोड़ा सा आपके साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, सारा नहीं करेंगे, थोड़ा लिटिल कर लेंगे, लिटिल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून। फिलहाल लग रही है बहुत भूख, ऊपर आई थिंक काम अभी भी चल रहा है, तो मैं और भानु प्लान कर रहे हैं कुछ बनाने का, बताओ एक्चुअली पता है कि मेरे पास ना बैटर भी पड़ा है डोसे का, तो मैं सोचने लगी थी कि अभी मतलब उत्तपम बनाएं या कुछ ऐसे ट्राई व्राई करें डोसा बनाने का, या फिर नहीं छोड़ रहे हैं सिंपल रखते हैं। ओके लेट्स डू इट फॉर लेट, जब भानु ने बोल दिया तो लेट्स गो, अभी बनाते हैं एग्स। तो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है यार, अजीब सी तबीयत हो रही है, बट एनीवे भानु पता है हमारे यहाँ पे ऐसे होता रहता है, एक बंदा ठीक होता है वो दूसरे की सेवा करता है, दूसरा बंदा ठीक होता है नहीं नहीं मतलब ऐसे कुछ मेरी बॉडी तबियत भी नहीं है, तो हमने मेरे बनाए हैं एग्स। बानो तो एकदम ठीक हो गया ना? मैं एकदम बढ़िया। देखो दिखा दो मैं कैमरा में हल्का सा दिखा दो, हल्का सा क्यों, मुझे पहले बोलते ऐसे ऐसे बोलते थे कुछ कुछ कभी कभी, देख अभी है ना हमें आदत हो गई है, हमें ना आदत हो चुकी है, वैसे अभी सुबह उठते हम कैमरा पकड़ लेते हैं, ऐसा वाला ना कि तैयार होगी, यू नो पहले होता था ना सोशल मीडिया का, तो ऐसा होता है कि आप हमारे साथ में ही रहते हो, कभी लगता नहीं। मैं नहा रही जा रहा हूं, कैमरा दे दे मेरे को।
ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा. चलो मैं अपना मील फिनिश करती हूँ. भानु भाई बनाना, बड़ा हेल्दी हेल्दी चीजें बनाना मेरे लिए. ब्रसल्स स्प्राउट्स को इसने करा है माइक्रोवेव में. हाँ बना तो रहा है लेकिन बंदा श्योर नहीं है. टेंडर स्टेम ब्रोकली जा रही है अभी पैन में. तो ये सारी मैं खाऊंगी. गाइस बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना है ये, बट बहुत स्वाद है ऑनेस्टली. फिर इसमें क्या डाला है, गार्लिक पाउडर कुछ डाला है ना. अच्छा फ्लेवर आ रहा है. और मैंने डाला है सीक्रेट रेसिपी, जैसे कर्नल सैंडर्स की केएफसी में होती है वैसी भानु चावल की इस घर में होती है. सीक्रेट सॉल्ट डाला है मैंने. ओके जी ओके. अभी हमें घर को साफ करना है इसके बाद. बहुत खा भी नहीं सकते खैर, फिलहाल खाते हैं. ओके गाइस सो मेनी आवर्स लेटर एक्चुअली घर पे इतनी वो सॉडस्ट वॉज जस्ट एवरीवेयर. अभी भी हमें घर की सफाई करनी है, उसमें बिजी हुए थे. कपड़े अभी भी मुझे तय करने हैं, बहुत कुछ करना है. बट इन द मीन वाइल जैसा मैंने आप लोगों को बोला था मैं आपको दिखा रही हूँ. एक तो मेरे घर पे भैया आया हुआ है ये बहुत बड़ा आइकिया का डिब्बा. तो जब मैंने लास्ट टाइम अपनी आइकिया की व्लॉग बनाया था किचन ऑर्गेनाइजेशन पे, तो बेसिकली तो पहले मैंने किया था यहाँ पे ऑर्गेनाइज, और भानु हमारा यहाँ पे आ चुका है. और आपने बोला व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे कार्ड आएगा किचन ऑर्गेनाइजेशन वाला. एग्जैक्टली. और अब मुझे करना है पैंट्री में ऑर्गेनाइज. तो पैंट्री है यहाँ पर, ठीक है. तो ये आपने देखी होगी, हमने पूरी ये जो यू नो बनवाया था वॉल पे. तो यहाँ पे मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, जो कि मैं सच में चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो. तो उसी के लिए मैंने मंगवाए हैं कुछ जार्स. मैं ऑब्वियसली पूरा नहीं खोलूंगी, मैं आपके फटाफट से, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने अब तक से नहीं खोला कि छोटा सा नाइफ खोल लेता उससे. चाकू हम जेब में ले घूमते हैं. वही तो तैयार बैठा था ना. तो क्यों पता मैं कटर यूज करना चाहिए, मैं इतनी डिलीवरीज आती हैं. आई नो बहुत ही खतरनाक भानु नाइफ लेके आया तू. इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ, जगह करता हूँ पांच छह में. ओके सो डब्बा खुल गया है. अनबॉक्सिंग. मुझे पता है इसकी पैकेजिंग बहुत खतरनाक होती है, ना कांच के जार्स हैं. आराम से. अच्छा हाँ, क्योंकि मैं सारा भी नहीं खोल रही हूँ गाइस. मैं ना एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट. पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, किचन ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो वॉच आउट फॉर दैट. तो ये ऐसे कुछ मैंने जार्स यूज किए थे लास्ट टाइम, तो मैंने ये और मंगवाए हैं. और मैंने क्या मंगवाया है, हाँ मैंने ये वाला मंगवाया है. ये ना कुकी जार्स जैसे नहीं होते हैं, हाँ. तो वैसे मैं सब पे अच्छी लेबलिंग करूँगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे एकदम मस्त सा. ओ यार हाँ, ये वाले मेरे मसालों के जार्स थे. एंड हाँ ना भाई, गोल्ड गोल्ड लेड वाले भी लेकर आए थे ना आज, वो वाले भी उसमें यूज कर लेंगे. तो गाइस ऐसे कुछ जार्स वार्स है बहुत सारे हैं. तो मैं भी निकलना चाहता था कि बहुत हमें भी दोनों ने मिलकर इतना ढके हुए घर साफ कराया तो गंद बच जाएगा. तो भानु ने भानु कॉल पड़ सारा जाएगा. नहीं नहीं, तो बेसिकली जार्स वगैरह आए हैं, मैंने काफी बास्केट्स वगैरह भी इकट्ठी करी हुई हैं, तो वो सब चीजें भी इकट्ठे करेंगे. मस्त सा एकदम किचन ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी बंद कर सकते हैं इसको, तो एक अच्छी किचन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. अब आते हैं भाई सेकंड डब्बे पे. फटाफट से सेकंड डब्बा यहाँ पे लाया जाए. सेकंड डब्बा यहाँ पे आ चुका है. ओके सो दिस सेकंड कुरियर इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांड जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है. एंड ऑनेस्टली whenever I get to work with them, it's just a pleasure. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि you know sometimes you just feel good कि मतलब you know मतलब you are on the right path. And obviously you need to do more मेहनत. So I'm talking about this particular parcel as you can see. तो I do collaboration with Balmain Hair. Balmain भी बोलते हैं काफ़ी लोग. हम बालमीन बोलते हैं, मतलब आप जो भी बोलते बता देना. तो बालमीन हेयर के साथ मैंने मेरा कोलैबोरेशन रहता है काफ़ी. तो यू नो आई हैव गॉट न्यू स्टफ फ्रॉम देम एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी देयर समर एसेंशियल कलेक्शन. सो दिस इज व्हाट द यू नो द मीडिया किट इज, नॉट द मीडिया किट, द यू नो द प्रपोजल समझ जाओ, जो जो मुझे मतलब इनका क्या क्या इसके अंदर इंक्लोज सामान है. एंड एंड ये लोग इतने अच्छे से सब कुछ बना के भेजते हैं कि ये चीज़ है यू नो लाइक दे मस्ट बी अ कार्ड एज वेल. माय गॉड शी ऑलवेज सेंड्स मी दिस ब्यूटीफुल कार्ड. तो गाइस आई एम लाइक रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे भी अच्छा लगता है. आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हर क्योंकि बाद में मैं सामान लाइक लिटरली व्हेन वी गो आउट इन डिस्ट्रो विलेज या सेल्फ्रिज वगैरह वहां दिखता है एंड देन इफ शी इज कोलैबोरेटिंग विद दैट ब्रांड इट्स जस्ट I'm really proud of you. And ये last year से actually continue हो रहा है, so that's really good. तो हर बार ये handwritten note भी आता है, so you know she can. So it is a very nice handwritten note. Thanks for the collaboration on our hot summer
Air Essentials. Look forward to seeing your content. It is so beautiful. And मुझे proper एक बताया जाता है कि कैसे कैसे है इसमें सारी details होती है अंदर मेरी मेरी profile के बारे में भी होती है Instagram. So this is all about Instagram collaboration. So watch out for great content which will be uploaded soon. So hopefully मैं next 10 days में plan करूँगी इसकी shoot वगैरह. तो जो ये इंस्टाग्राम आई डी इस पर फॉलो करना एट रुचि सलारिया, साथ में आपको फ्री मिलेगा एट भानु चावला, फ्री मिलेगा है ऐसे होना चाहिए ना, है ना, एक साथ वाले बंदे के अपने आप ही फॉलोअर्स बढ़ते रहे, एक बीच आ गए. उसको बनाने के लिए यू नो वो टेक्सचर लाने के लिए तो काफी मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, लाइक इनका टेक्सचराइजिंग स्प्रे, बड़ी अच्छी चीज है. मैं भी यूज करता हूँ, मानोगे बहुत पसंद है वो. SPF है, परफ्यूम, यू नो हीट प्रोटेक्टिंग, बहुत अच्छी चीजें होती हैं. एंड मेरे पास इनकी और भी लाइक काफी चीजें लाइक पोर्टेबल स्ट्रेटनर वगैरह बहुत कुछ है. बट फिलहाल ये वाले का स्नीक पिक मैंने आपको हल्का सा दे दिया है, तो इसका जो कॉन्टेंट आएगा बहुत सून आएगा, और भी चीजें अंदर है उसको मैं अनपैक आराम से करूंगी. बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज बिकॉज आई थिंक हम मतलब चीजें शेयर करते हैं आपके साथ, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये भी करना चाहिए जब आज डिलीवरी वाला दिन है. तो एनीवे दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द व्लॉग. हमारी जो अलमारी वाला रूम है, बेडरूम है, हमने हाथ रखे हैं, वो बेसिकली हमारा जो रूम है वहाँ पे जाके हमें सफाइयाँ करनी है, तो मैं आपको पक्का इस व्लॉग में दिखाती हूँ. बट नेक्स्ट व्लॉग के लिए वॉच आउट, क्योंकि उसमें हम आपको देंगे यू नो टूर दे देंगे, बेडरूम टूर दे देंगे. yes. जो रूम रेडी हो गए, तो बेसिकली आई गिव यू डिटेल्स कौन सी बेड कहाँ से है, जो भी लाइट्स है वो सब कहाँ से है, जो जो चीज़ें उस रूम में फिलहाल है, जितना भी वो भर चुका है, इतना भरा नहीं हो बेड से ले लो, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा घर अभी भी इट्स फेयरली न्यू. तो आई गिव यू ऑल द डिटेल्स, मैंने कहाँ से क्या क्या ऑर्डर करा, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी फिटिंग वगैरह हुई आज वार्डरोब की, एंड आई विल रियली कांट वेट टू यू नो शो इट टू यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग इन द टूर. तो स्टे ट्यून्ड, मंडे से शुरू होने वाला है वॉक इन वार्डरोब का काम, तो वो भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. वो तो भाई 4 दिन का काम आया था ना, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी करेंगे धीरे धीरे. तो अभी बहुत मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं. एंड Q&A का चीज याद रखना, नीचे क्वेश्चंस ड्रॉप करो Q&A लिख के, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने अपने से रिलेटेड, कुछ आपको कुछ राय चाहिए हमसे, करियर से कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस है, प्लीज ड्रॉप देम डाउन, एंड वी ट्राई टू पिक नाइस क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस, एंड आंसर एज मेनी एज वी कैन. एक क्वेश्चन आया था, मैंने Q&A में देखा था लास्ट टाइम, कि आपको खुश कैसे करें, सब्सक्राइब का बटन दबा के कर दो, दैट्स इट, हम खुश हो जाते हैं. एंड देन लाइक का बटन दबा के तो डेफिनेटली खुश हो जाते हैं. बट जो आने वाले ब्लॉग्स हैं, हाउस अपडेट्स वगैरह, उनको ना मिस करो, इसलिए बेल आइकन तो दबा दो. एग्जैक्टली. टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.